ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, विंसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन होती है, डैमेज्ड होती है, सनबर्न हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, और स्पेशली ऑयली स्किन के लिए जिनके लिए विंटर्स में भी स्किन की प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये वीडियो गौर से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हर एक एक टॉपिक को मैं तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ विंसी कंपनी के बारे में। मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इस क्रीम के बारे में, जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं। मैं एक लेकर आई थी विंसी कंपनी का वाइटनिंग टोनर एंड वाइटनिंग नाइट क्रीम। ये नाइट क्रीम है, आपकी डार्क सर्कल्स, रिंगल्स सबको ख़त्म कर देगा, आपकी स्किन को टू टैन होने से ख़त्म कर देगा, आपकी आंखों के पास इचनेस ख़त्म करेगा, और सबसे अच्छी बात इसकी की है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप जितना भी इस्तेमाल करेंगी, बहुत है, अगर छोड़ भी देंगी कि वो ख़त्म ही नहीं होंगे, मतलब उसके इफ़ेक्ट्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्रीम के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो इसी विंसी क्रीम है, एक्स्ट्रा लाइटनिंग क्रीम है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लाइटनिंग क्रीम है, शिया बटर और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, आर्बिटन सब कुछ है। ये आपकी स्किन को लाइट करता है, लाइट के साथ साथ आपकी स्किन के अंदर सैगिनेस को और आपकी स्किन की टू टोन्स को ख़त्म करता है। ऐसे जैसे कि ये क्लेम करता है कि ये आपको सिर्फ रात को लगाने हैं, लेकिन जब मैं ये क्रीम लेकर आई थी तो मैं इसको रात को भी और दिन में भी लगाती थी। ये प्लास्टिक की बॉटल है, सॉरी, अवॉइड कीजिए इसकी कैप्स। मेरे अंदर सबसे बुरी आदत होती है कि जब भी मैं कोई चीज़ लेकर आती हूँ, मैं सबसे पहले उसका कैप हैंग देती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार खोल के दिखाने का तो शौक ही नहीं होता, फिर कौन करे कौन पैक करे, तो इसी तरह ही पड़ी रहती। तो सॉरी एंड अवॉइड दैट, कोई मुझे कमेंट पे ये नहीं लिखिएगा कि ये क्या है। अच्छा जी, चलते हैं इसकी और डिटेल्स के बारे में। ये लाइटनिंग क्रीम है, जैसे कि ये बोलता है, हाँ जी बिल्कुल ये लाइटनिंग क्रीम है। ये 50 ml की है, लेकिन 50 ml इतना है कि ये आपकी 2 to 3 months चल जाएगी। अच्छा जी, बात करते हैं कि इसकी स्किन कौन सी स्किन के लिए। यार ये जो मैं प्रेफर करती हूँ, ये ड्राई टू ऑयली स्किन दोनों ही लगा सकते हैं, नॉर्मल स्किन भी लगा सकते हैं, ड्राई भी लगा सकते हैं, और ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं। इस क्रीम को लगाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपकी स्किन के अंदर सारी रिंकल्स को ख़त्म कर देता है। आपकी आंखों के पास जो सैगनेस हो जाती हैं, ग्लासेस पहन के आंखों के आगे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, उन सबको ख़त्म कर देता है। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि जो लड़कियाँ आंखों के आगे डार्क सर्कल्स के लिए स्पेशल क्रीम लेती है, वो बेस्ट है, वाइटनिंग क्रीम प्रेफर करती हूँ मैं उनको। नाइट क्रीम्स लगाइए, आंखों के पास मसाज कीजिए, आपकी स्किन को बहुत क्लियर करता है। अच्छा जी, क्रीम के बारे में थोड़ी और डिटेल चलते हैं। विंसी क्रीम है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथिंग लाइटनिंग क्रीम है, इसमें आर्बिटन है, इसके अंदर सारी वो प्रॉपर्टीज है जो आपकी स्किन को लाइट करते हैं। ये प्लास्टिक की कंटेनर में आता है, इसके अंदर सारा कुछ डिस्क्रिप्टेड है। अच्छा जी, इसकी जो है वैलिडिटी होती है मुझे बहुत छोटी सी है जी, ये 12 month तक आप यूज़ कर सकते हैं। यार ये बहुत ज़्यादा ही चलती हैं, थोड़ी सी लगाएंगे आपकी पूरी स्किन में स्प्रेड हो जाएगी। पंप की शेप में आती हैं, ये देखिए जी, मैं आपको पंप करती हूँ, ये देखिए सही, इतनी सी ही लेनी पड़ती हैं। आप इसको इतनी सी लेंगे तो इतने ही आपके साथ चल जाएगी। इसके अंदर कोई वाइटनिंग कास्ट नहीं है, ये स्किन पर लगाते सारे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बेस्ट फॉर नाइट एंड नाइटिंग के लिए। मैं दिन पर भी लगाती हूँ क्योंकि अच्छा होता है, डबल टाइम एक्शन हो जाओ, क्रीम ही है, कौन सी वाइटनिंग है, इसके ऊपर जो बेस लगाने लगा ले। ये रात को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें SPF नहीं है, इसके ऊपर अगर आप SPF लगाएगा तो इट वंडर्स। ठीक, कोई भी वाइटनिंग कास्ट नहीं, आप देख सकते हैं मेरे हाथों में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मेरे हाथों में भी लगाती हूँ, हाथों में भी लगाई है। इसके बारे में, ये विंसी का टोनर है, ये लाइटिंग टोनर है, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये मैं कहूँगी कि ये ड्राई स्किन वाले बिल्कुल नहीं लगाइएगा क्योंकि उनकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। इसको लगाने के बाद आप गोरा और दूध की तरह नहीं हो जाएंगे, मेक श्योर ये लाइट करता है। इसका लाइट का मतलब ये होता है आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को कम करता है, आपकी स्किन के अंदर फ्रेशनेस लेकर आता है। लाइटिंग का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप एक लगाने से वाइट वाइट हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ये अभी 2 months हुए, मेरी बॉटल आप देख सकते हैं ये इतनी ही हुई है। तो ये बेस्ट है फॉर ऑल ड्राई ऑयली स्किन, ये लाइटन करता है। अच्छा जी, क्रीम लगाने से, अच्छा जी पहले, सबसे पहले हम इसकी बात करिए, 160 ml है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, लाइटनिंग करता है, ग्रेप सीड से एक्सट्रैक्टेड है, और इसके पीछे सब कुछ डिस्क्रिप्टेड है कौन कौन सी स्किन इसको अच्छे से यूज़ कर सकती है। मैंने यूज़ किया तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि ये ऑयली स्किन वाली ही यूज़ कीजिए, ड्राई स्किन से ये और ड्राइनेस हो जाती है। 6 months से ज़्यादा वैलिडिटी है, आप इसको यूज़ कीजिए और ये ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होता।
अच्छा जी, क्रीम लगाने का मुँह हाथ जब आप धोते हैं, मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ इन दो के बारे में कि जब अपने फेस को इस्तेमाल कैसा करना है, रात को मुँह हाथ धोती हैं आप, मुँह धोए उसके बाद अपने फेस में आपने इसको अपने हाथ में लेना है, पाम में अपने फेस में फुल स्प्रेड करना है, लेट इट ड्राई फॉर 5 to 10 मिनट्स, फिर उसके बाद आप जाके ये क्रीम लगाएंगी, ठीक है। आपने उसको रिंस नहीं करना है, आप उसको कॉटन बड से उतारेंगे नहीं, कॉटन बड से लगाना है लगाएं, लेकिन उसके बाद मुँह नहीं धोना है, इसको आपने लगाए रखना है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। नॉर्मल टू ड्राई स्किन लगा सकते हैं, फॉर ऑल कॉम्बिनेशन स्किन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाले ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले लगा सकते हैं, और कॉम्बिनेशन वाली स्किन लगा सकते हैं। इसकी प्लास्टिक बॉटल है, ट्रांसपेरेंट है थोड़ी सी, ये देखिए ये देखिए इतनी सी है, इसको अपने बंद करना है, इसी सकना है, थोड़ा सा हाथ में लीजिए और यूज़ कीजिए, आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है, स्किन की लिटरली विजिबल जाते हैं रिजल्ट। लेकिन याद रखिएगा, इसके बाद ज़रूर मॉइस्चराइजिंग लगा दीजिएगा ताकि आपकी स्किन को, रात को लगाइए, ये प्रोसेस ज़रूर रातों कीजिए, और अपने रिव्यूज़ और अपने रिजल्ट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, वो आपके लिए नहीं वो औरों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मुझे अच्छी लगी ऐप रिकमेंड 10 out of 10, अच्छे रिजल्ट्स हैं तो मैं शेयर करती हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, जिनकी डार्क सर्कल्स है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्रीम को लेके अपने आइज़ के बिल्कुल हाथों से अपने इस फिंगर से ज़रूर मसाज कीजिए, ताकि आपकी आंखों के अंदर फ्रेशनेस फील होगी और आपको लिटरली फ्रेश आपकी आंखें फ्रेश लगेगी। तो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अपने रिव्यूज़ कमेंट ज़रूर मुझे दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू माई नेक्स्ट टॉक, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।